असम का एक गांव, छोटा बच्चा, उनका जिद ये था कि हम घर में एक हाथी पालेंगे। तो पापा से जिद किया और जंगल का पास में ही गांव था। पापा ने क्या किया, जंगल से एक हाथी का बच्चे को लेके आया। पर हाथी का बच्चा रहेगा कहाँ, उसको तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, अगर ऐसे खुला छोड़ेंगे भाग जाएगा। पापा ने क्या किया, हाथी का बच्चे को घर में एक धागा जैसे रस्सी था उससे बांध के रखा एक खूंटे पे। बच्चा तो छोटा था, उसके साथ खेलते रहते थे बच्चा, और वो हाथी का बच्चा बिल्कुल बस में आ गया और वहाँ से जाता ही नहीं था। बच्चे भी खुश थे, हाथी का बच्चे के लिए उसका जो भी खाना पीना है सब चीज़ अरेंज करते थे। देखते देखते एक दिन हाथी का बच्चा बहुत बड़ा पूरा हाथी बन गया। पर वो हाथी वही रस्सी से बंधा हुआ था, नायलन का रस्सी था, रस्सी वही था, उसी रस्सी से ही बंधा हुआ था। अगर चाहते तो कब का तोड़ के भाग सकता था, पर वो नहीं भागे। वो नहीं भागे इसके पीछे दो रीज़न था। रीज़न नंबर वन कि उसे ये नहीं पता था कि इस रस्सी को अब वो तोड़ सकते हैं। जब छोटा था उस समय इतना ताकत नहीं था तोड़ने के लिए, पर अब जब बड़ा हो गया अब तो तोड़ने का ताकत है, ऐसे एक बार एक झटके में उसको तोड़ के जा सकता है। पर वो नहीं गया, वहीं पर रहा, क्योंकि उसका दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम प्रिंटेड है कि हम उस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं। और नंबर टू क्या है कि कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है कि हाथी का बच्चे को छोटे से अब जब बड़ा किया, कितना सारे अच्छे से अच्छे खाना पीना सब कुछ वहीं पे मिल जाता है उसको, उसको कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अगर जंगल में रहेंगे तो खाने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, उसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें समझना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही दो चीज़ें आता है, खास करके जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ख़राब है, सब लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, ये नहीं कहता हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि हम अपना जो ताकत है उस ताकत को क्या है कि हम लोग पहचानते नहीं। हाथी जैसे एक पतला सा रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे हैं, ऐसे ही हम भी ताकतवर होने का बावजूद भी हमारी पोटेंशियलिटी को ना पहचानने के वजह से हम एक जगह में स्टैग हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे ही एक जगह में बिता देते हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है कि अपना ताकत को नहीं पहचानते, अपना बिलीफ सिस्टम को ऐसे ही मान लिया गया कि यस वी आर मेड फॉर दिस थिंग ओनली, वी कैन डू एनीथिंग एनी मोर। दूसरा चीज़ क्या था कि कंफर्ट जोन, हम ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। देखिए हमें हर महीने का आखिर में ठीक है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो जिस रैंक में हैं उसको तनख्वाह तो मिल रहे हैं, ठीक है उस तनखे से छोटा मोटा जो भी रिक्वायरमेंट है किसी तरह हो तो जाता है। पर ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम में और भी कुछ करने का ताकत है। भगवान हमको देता है जन्म इसलिए कि जितना बढ़ सकते हो आगे बढ़ो, पर हम इस चीज़ को समझते नहीं। हमारा दिमाग में वही चीज़, वही बिलीफ सिस्टम फिट किया हुआ फिट हो जाता है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाता है कि यू आर बिल्ट फॉर दिस थिंग ओनली। पर ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, इसको आपको जानना चाहिए। इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये दो चीज़ों से बाहर आना होगा। नंबर वन आपका बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा, आपको पहचानना होगा कि आप में भी ताकत है, अगर एक्स वाई जेड ये सब कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और नंबर टू कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस से आते हैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा चना मिक्सचर या मिठाई खाते खाते टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कौन पीएम बना, कब शपथ लेंगे, बस यही सब देखते देखते फिर 11-12 बज जाता है, फिर बिस्तर पर जाते हैं, सोते सोते रील देखते हैं,
फिर 2 बजे 2:30 बजे तक रील देखते देखते जब परेशान हो जाते हैं तो सो जाते हैं, फिर सुबह 8 बजे उठ करके ऑफिस चले जाते हैं। यही रूटीन है ना, पर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो कंफर्ट जोन है इसके वजह से आप ज़िंदगी का बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर रहे हैं। ज़िंदगी आपको पुकार रहे हैं, ज़िंदगी आपको पुकार रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, आपके पास फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग जो भी चीज़ कर रहे हो उसको छोड़ दो, उसको करते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ का मतलब आप समझ लीजिए क्या क्या कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं इतने सारी चीज़ें आपको इसलिए बताया कि ह्यूमन पोटेंशियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम अपना ब्रेन का पावर को समझते ही नहीं है। हमारा ब्रेन का केवल मात्र 5% ही यूज़ होता है। आइंस्टाइन का ब्रेन जब एनालिसिस किया गया तो देखा, आइंस्टाइन जैसे अभी तक का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, उनका भी ब्रेन केवल मात्र 10% ही यूज़ हुआ था। तो आप समझ लीजिए, अगर हम ब्रेन का सही उपयोग करें तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये ब्रेन पावर इन्हेंसमेंट, मेमोरी पावर इन्हेंसमेंट, ये सब कुछ एक साइंस का द्वारा इम्प्रूव हो सकता है, सिखाया जा सकता है, और सीख करके आप खुद का ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यही काम हम करते आ रहे हैं लास्ट 12 ईयर्स से, और आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सीखना ज़रूरी है, कम से कम ये तो देखें कि है क्या चीज़, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक गूगल फॉर्म, उसको फिलअप करें। आप उसको फिलअप करते ही हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कहीं पे भी एक पैसा भी फीस भरने का ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होगा, महीना में एक वेबिनार होता है, जब भी 50 लोग पूरा हो जाता है तो एक वेबिनार हम करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट वेबिनार के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।